नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और मेड जनरल टेक कैटेगरी पे आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इन्फिनिक्स हॉट S3 के बारे में। तो अगर आपको इस फोन के बारे में जानना है, इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में, क्योंकि ये फोन जो है ना फुल्ली कैमरे के लिए ही है। अगर देखा जाए तो इसमें आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि कमाल का है, और बैक में मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा। मतलब फ्रंट में आपको ज्यादा मिलेगा 20 मेगापिक्सल का, और बैक में जो है वो सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। इसके दो वेरियंट है, एक 8,999 रुपए का है और जो दूसरा वेरियंट है वो है 10,999 रुपए का। 8,999 में आपको मिलेगा 3 GB की रैम एंड 32 GB की इंटरनल मेमोरी, और वही 10,999 में आपको 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी। अगर प्रोसेसर की बात करें तो दोनों वेरिएंट में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का है। इस प्राइस रेंज में अभी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मिल सकता है, बट ये उतना सही नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा, मेरा ओपिनियन यही है कि ये प्रोसेसर ठीक ठाक है इस रेंज में। और अगर बात करें बैटरी की तो दोनों वेरिएंट में आपको मिलेगा 4000 mAh की बैटरी, तो बैटरी ठीक है। अगर बैटरी की बात करें तो इस वेरिएंट मतलब 8,999 या फिर 10,999 बहुत अच्छा है। 4000 mAh ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, मतलब ठीक ठाक है। तो अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए ये फ़ोन बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे को फोकस किया गया है। मतलब अगर आपको सेल्फी लेने के लिए एक फ़ोन चाहिए तो उसके लिए मैं ये फ़ोन सजेस्ट करूँगा, बाकी किसी भी चीज़ के लिए ये फ़ोन नहीं है। अगर आपको सिर्फ फ्रंट कैमरे के लिए फ़ोन लेना है तभी फ़ोन ये ले सकते हो, बाकी किसी भी चीज़ के लिए ये फ़ोन नहीं है। अगर आप 9000 में ये फ़ोन लोगे, उससे अच्छा आप 2000 और लगा दो यार, एक्स्ट्रा 2000 एक्स्ट्रा लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा ऑनर का 9 Lite, जो कि बहुत ही कमाल का है। कैमरा भी आपको अच्छा मिलेगा और बाकी के फीचर्स भी है ना वो बहुत ही कमाल के हैं, तो यार वो ले लो, ये फ़ोन किसी काम का ही नहीं है। तो अगर आप सिर्फ कैमरे के लिए ये फ़ोन लेना चाहते हो तभी ये फ़ोन आप लो, वरना ये फ़ोन मत लो। अगर कैमरे के लिए लेना है तो यार कोई कैमरा ले लो, 9000 में अच्छा सा कैमरा मिल जाएगा, बट सिर्फ सेल्फी के लिए ये फ़ोन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए अच्छा होगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर। यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।